मेरे साथ है मेरे कलीग रंजन, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 12:30 बजे तक का जो ये आंकड़ा जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, क्या कहते हैं उस आंकड़ों के बारे में। अभी का जो करंट स्टेटस है रंजन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीट जीतती हुई नजर आ रही है या रुझानों में आगे है? रुझानों में भी बीजेपी 38 सीटों पर आगे है। और घटक दलों की अगर बात करें वहां पे, तो घटक दलों में सबसे आगे जो है और जो चौंकाने वाली बात है वो समाजवादी पार्टी की है। सपा जो है यहाँ पे 32 सीटों पर बढ़त, कमबैक हुआ सपा का, बहुत बड़ा कमबैक है। और कांग्रेस का क्या स्थिति है, कांग्रेस जीवंत हो पाई है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल निश्चित तौर पे 7 सीटें पर बढ़त बना रखी है पार्टी ने। आरएलडी भी 2 सीटों पे लड़ी थी चुनाव। आरएलडी बीजेपी की सहयोगी घटक दलों में आ जाएगी, तो मोटा मोटा 40 सीटों के आसपास एनडीए बढ़त पे है। 50% सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली है। एक सीट है जो कि अलग दिख रहा है इस आपके पूरे स्क्रीन पे, और वो सीट दिख रहा है मुझे आजाद समाज पार्टी। ये क्या चंद्रशेखर वाली पार्टी है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनको रावण के नाम से भी जाना जाता है। क्या है वहाँ का स्टेटस? और वहाँ से वो खुद प्रत्याशी हैं और आगे चल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल करूंगा कि क्या ये कहीं ना कहीं मुद्दों के प्रति जो है सजग नहीं हो पाए वोटर, या योगी गवर्नमेंट उस चीजों को पहुंचा नहीं पाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यों को अपने लोगों तक वोटरों तक? इसपे दो सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं। एक तो जो नौकरियों को लेकर के युवाओं में वहाँ के जो आक्रोश है, चाहे वो पेपर लीक हो या फिर नई भर्तियाँ नहीं आई पिछले 5 सालों में, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो भर्तियाँ निकली लगातार उसमें ये शिकायतें आ रही हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो एक आक्रोश रहा युवाओं में खास करके, चाहे वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हों लेकिन उनमें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। दूसरा, जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा वोट हुआ है और ये जादव जाटव मुस्लिम, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस बार जो है सारे विकास या जो भी मुद्दे थे एनडीए के, जातिवादी मुद्दों पे ज्यादा वोट गया, वो पूरा वोट गया। सो अगर ये 80 लोकसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक 50-50 टाइप मैच हो रहा है, 40-39 के बीच का आंकड़ा चल रहा है दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ऐसा मतलब मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो लास्ट में जो फिगर आएगा 3-4 बजे के आसपास वो भी बिल्कुल 50-50 ही रहने है। ये आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या पूरे 543 विधानसभा लोकसभा सीटों की? उत्तर प्रदेश की ही मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में आप बोल रहे मामला 50-50 के आसपास अटकेगा। अभी आप देख रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो 80 में से 40 के आसपास दोनों प्रमुख पार्टी, समाजवादी पार्टी बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे छोटे भाई के तौर पे लड़ाई करी है, और 39 सीटों पे एनडीए आगे है, अभी 40 सीटों पे समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस आगे है, एक सीट चंद्रशेखर आजाद जो कि इकलौते उन्होंने आजाद समाज पार्टी से लड़ी थी, वो सीट नगीना की सीट है जिसपे वो आगे चल रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।